अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जिला महिला अस्पताल में पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। बाहर निकलकर मीडिया से बात कर वह परिजनों का हाल बताते हुए रो पड़े। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने आरोपियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई कर निषाद समाज को न्याय दिलाने का काम किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि उनका पीडीए का फॉर्मूला साथ देना सिर्फ दिखावा है। अब तक उन्होंने इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है और न ही आरोपी नेता को पार्टी से निकाला है। पूजनी है उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के दो जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीर नगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई। बस इतने उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी? और किस तरीके से मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से होगा? अंग्रेजों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा? मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें। अब मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा।